हेलो दोस्तों, अभी हम लोग सरायकेला मार्केट जा रहे हैं। तभी हम लोग रास्ते में हैं, ठीक है, और ये रहा वो रास्ता। तो इसी से अभी हम लोग निकल रहे सरायकेला मार्केट। तो चलिए मिलते हैं सरायकेला मार्केट में। कौन सी का मार्केट है वाला? ये इसको मार्केट ही है, तितिरबेला का मार्केट। हाँ, तितिरबेला का मार्केट। यहाँ का भी छोटा सा मार्केट है, इसी को बोलते हैं ना तितिरबेला फूल। बरसात का टाइम में यही फूल तो पूरा भर जाता है ना। लेकिन देखो फूल तो इतना हाइट में है, ठीक है, हाँ तो हाइट में है, फिर भी हम लोग सराय के मार्केट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मुर्गी बेच रहा है। पहले से ज्यादा दुकान बनाती है। ये सब जो घर देख रहे हो, इस सब माड़ी दुकान है जहाँ पे राइस बियर बेचा जाता है। रास्ता भी नहीं मिल रहा, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बांस की लकड़ी से बनाया हुआ कुछ सामान, जिसको भाषा में जोड़ी हटा यही सब बोला जाता है। ये लोग कोई बड़े बड़े व्यापारी लोग तो नहीं है, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे गांव से आए हुए व्यापारी लोग हैं। इसी से जो भी इसका इनका इनकम होता है, इसी से इनका घर बार चलाते हैं अपना गुजारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिट्टी के कुछ बर्तन बेचे जा रहे हैं, वो मटका, इधर इधर फाड़ और हंडिया बोला जाता है यहाँ के लोकल भाषा में। जैसे बोलता है ना, गुटखा खाने से मुंह का चौड़ाई जो कम हो जाता है, खोलना। हाँ आ? क्या कहाँ से बोलो, खाए 100 रुपया एक किलो, ये वाला 1 किलो 100, ये वाला 200। अभी हम आ गए हैं पॉक मीट शॉप में। जैसे कि यहाँ पर किस तरह बेचा जा रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पे पड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ पर पॉक मीट खरीदने आ रहे हो तो आपको 1 किलो के 200 रुपये देने पड़ेंगे, जो करीब $3 के आसपास पड़ता है अगर अमेरिकन डॉलर के। और ये जो सरायकेला का जो ये पॉक मीट है, ये इसलिए भी इतना बिक्री होता है क्योंकि यहाँ पर एक चावल से बनाया हुआ एक तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ के गाँव इलाकों में। और उस तरल पदार्थ को राइस बियर भी बोला जाता है, क्योंकि चावल से बनाया जाता है ना, इसीलिए। तो उसी तरल पदार्थ के साथ ही खाने के लिए तरह चकना के रूप में इसे ज्यादातर लोग खरीदते हैं और बनवा के खाने लगते हैं। जो लोग मीट खरीद के लाते हैं पॉक मीट, वो उस मीट को यहाँ पर बनाती है। उस बनाने का चार्ज भी होता है, आधा किलो का चार्ज है 50 रुपये और 1 किलो का चार्ज है 100 रुपये, उस हिसाब से यहाँ की आंटी लेती है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि वो आंटी उसे किस तरह बनाती है, तो बने रहिए वीडियो में। इतना गौर से देख रहा है कि चला अभी खा जाएगा, चला गया। जब उसके घर में पड़ता है तब वो जिस जिस करता है ना, हल्का मसला जाएंगे नहीं। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं, ये बोरा भूंजो, भूंजने से पूरा तेल निकलेगा जी, नारियल सब है, हमको पता है ना, हम कैसे बनाते हैं डेली।
हल्का मार धीरे करो मैंने सीखा होना चाहिए मैंने नहीं आधा किलो। हाँ अभी हम लोग एक आदिवासी औरत के पास आए हैं जो एक तरह का तरल पदार्थ बेच रही है, चावल से बना तरल पदार्थ जिसको संताली भाषा में तांग हांडी और हो भाषा में राशी कहा जाता है। ये चावल से बना एक तरल पदार्थ है और ये बहुत ही पतला वाला हिस्सा है क्योंकि जो गाढ़ा वाला हिस्सा है वो उसको हांडिया या डीएंग कहा जाता है और इस इलाके में ये सबसे ज़्यादा बिकता है। हेलो दोस्तों, मैं इस तरल पदार्थ के बारे में कुछ दो रियल फैक्ट बताने वाला हूं और वो फैक्ट यही है कि ये एक ऑर्गेनिक चीज से बना हुआ तरल पदार्थ है, जैसे कि कुछ जड़ी बूटी और चावल से बना हुआ है ये जो तरल पदार्थ मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, ठीक है। और अगर मैं इसके फायदे में बताऊं तो गर्मी के सीजन में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादातर डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है वो जो प्रॉब्लम भी इस तरल पदार्थ से सॉल्व हो सकती है और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल भी है क्योंकि ये करीब 5 रुपए के बाटी में आती है। जॉन्डिस के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, मैंने सोर्स से पता चला कि अगर सही से इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये जॉन्डिस को भी हरा सकता है दोस्तों। साथ ही साथ एक और फैक्ट है जो सचमुच रियल है, वो है कि इसमें नशा होती है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको नशा पसंद नहीं है तो इस चीज से हमेशा दूरी बना के रखें, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वो बात यही है कि दुनिया में कोई भी चीज करो या पियो हमेशा लिमिट में, क्योंकि लिमिट से ज्यादा होने से वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए, सब चीज के लिए नुकसानदेह होती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो कुछ करो हमेशा लिमिट में करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, जय हिंद।